तेलंगाना के एक्स सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाले केस में बीआरएस की एमएलसी के कविता के आवास पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ घंटों तक चली तलाशी के बाद ईडी अधिकारी उन्हें लेकर दिल्ली रवाना हो गए। वहीं जैसे ही के कविता को गिरफ्तार करने की जो बात है वो फैली, उनके घर के बाहर अफरा तफरी का माहौल हो गया। पार्टी नेताओं ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने इस गिरफ्तारी को अवैध बताया। आखिर केसीआर की बेटी के कविता पर क्या आरोप लगे हैं जिसके चलते ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, आइए जानते हैं इसकी पूरी क्रोनोलॉजी। के कविता को उसी दिल्ली शराब घोटाले केस में गिरफ्तार किया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने बीआरएस नेता के कविता को दो समन भेजे थे, हालांकि कविता ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। वहीं इतना ही नहीं, ईडी के समन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमानत याचिका भी लगाई थी, हालांकि अदालत ने 19 मार्च तक सुनवाई स्थगित कर दी थी। इसी बीच ईडी की टीम ने शुक्रवार शाम को कविता को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल उठता है कि दिल्ली शराब घोटाले में साउथ का क्या कनेक्शन है और केसीआर की बेटी का नाम इसमें कहां से आ गया, आइए जानते हैं। दिल्ली शराब घोटाले केस में ईडी ने गुरुग्राम से कारोबारी अमित अरोड़ा को 30 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक अमित ने अपने बयानों में के कविता का नाम लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि कविता साउथ ग्रुप नाम की एक शराब लॉबी की मुख्य लीडर थी। उन्होंने विजय नायर के माध्यम से दिल्ली में आप सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया था। फरवरी 2023 में सीबीआई ने कविता के अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया था। ईडी ने अकाउंटेंट से काफी पूछताछ भी की थी। फिर ईडी ने हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंदन पिल्लई को 7 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया। पिल्लई ने पूछताछ में बताया कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। इसी में कविता की कंपनी एंडो स्पिरिट्स को दिल्ली के शराब कारोबारी, मतलब जो शराब कारोबार है, उसमें एंट्री मिली। पिल्लई ने यह भी बताया कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें वो कविता, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा मौजूद थे। इस मीटिंग में दी गई रिश्वत की वसूली पर चर्चा हुई थी। कविता की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के एक दिन पहले हुई है। कि कविता के खिलाफ मुख्य आरोप है कि वो साउथ लॉबी का हिस्सा है। उन्होंने दिल्ली के उत्पादन शुल्क नीति तैयार करने में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्रियों और लोगों के साथ साजिश रची थी। कविता पर दागी कंपनी एंडो स्पिरिट्स में बेनामी निवेश करने का भी आरोप है। ईडी आरोप लगा रही है कि घोटाले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई थी और पैसा हैदराबाद से दिल्ली ले जाया गया है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे एनवीटी ऑनलाइन के साथ।